प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सब का स्वागत है। आओ अज सीखते हाँ कि एम एस वर्ड के कंट्रोल कीज वाले शॉर्टकट्स का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स काफ़ी तरह के होंगे। असी इस लैसन के कंट्रोल ए तो लैके कंट्रोल जेड तक के शॉर्टकट्स नू किस तरह वरतना है ये सीखांगे। असी इन्हां नू दो पार्ट्स दे विच सीखांगे, क्योंकि अगर असी सारे कंट्रोल ए तो लैके कंट्रोल जेड तक दी कीज इक्को वीडियो दे विच कवर करांगे तां ओह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। आओ आपां पहलां पार्ट वन शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला एम एस वर्ड दियाँ दो फाइलां ओपन कर लो, जिस तरह ये कीती हुई हैं। मैं एक इधरले पासे लाइन की है राइट साइड से, एक लैफ्ट साइड से। जो तुहानू एक शॉर्टकट कीज़ वाली दिखाई दे रही है विंडो, ये शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई हैं ए टू जैड। और राइट साइड से जिहड़ी विंडो असी ओपन की हुई है, ये असी प्रैक्टिकल करके देखना कि ये जिहड़ियां पर्टिकुलर शॉर्टकट कीज़ ने की काम कर दी। सब तो पहला कंट्रोल ए, सारा डाटा सिलेक्ट करन लई, सिलेक्ट ऑल करन वास्ते। अगर असी इतों कोई भी लाइन सिलेक्ट करनी टैक्सट, तो असी माउस का लैफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करके इस तरह सिलेक्ट करते हैं, या फिर कीबोर्ड तो इस तरह कीबोर्ड तो शिफ्ट की प्रेस करके इतने रख के, शिफ्ट की प्रेस करके नाल एरो कीज़ जिहड़ियां हैगियां, आईडी एरो कीज़ है, इन्हां दे नाल प्रेस कर करके असी सिलेक्ट करते हैं। या फिर अगर असी सारे का सारा जो पैराग्राफ पूरे का पूरा सारा मैटर जिन्ना भी फाइल के मैटर सिलेक्ट करना हो, सिलेक्ट ऑल करना हो, असी कंट्रोल प्रेस करके नाल ए प्रेस करते हैं कंट्रोल ए। उहदे नाल की आ सारे का सारा डाटा सिलेक्ट हो जाता वी, इतों कंट्रोल ए प्रेस करोगे, ठीक है। इस तरह कंट्रोल ए इस तरह सारा सिलेक्ट हो जाता। सैकेंड है साढ़े को कंट्रोल बी, बोल्ड करने वास्ते, जोड़े नॉर्मल जोड़े लैटर है उन्होंने ज़्यादा मोटे करने वास्ते असी ये यूज़ करते हैं। इस तरह ये लाइन है, वन आफ्टरनून अ फॉक्स वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरैसट। इतों तक असी ले लिया, जो किन्ना भी सिलेक्ट कर लो उसनों जो तुम कंट्रोल बी करोगे वह बोल्ड हो जाना। कंट्रोल जिस तरह हम नैक्सट आर लाइन करके देख लें, इतो सिलेक्ट किया इन्नी कंट्रोल नाल बी उन्ना बोल्ड हो जाएगा। सो ये बोल्ड करने लई कंट्रोल बी। कंट्रोल सी, कॉपी करने वास्ते, असी कोई भी डेटा कॉपी करना उस कर ला कि असी ये फॉक्स कॉपी करना, इतने असी कीबोर्ड तो कंट्रोल प्रेस करना करी रखना, लॉन्ग प्रेस करी रखना, इसनों नाल सी प्रेस करांगे सी, और ये साडा कॉपी हो गया। हुण इसनों कॉपी का मतलब हुंदा कि जिहड़ा भी डाटा असी कॉपी किया उसका डुप्लीकेट एक होर बना देना सी। सपोज करके असी इतने लैके आना, जिते कर्सर होएगा उत्थे जाके पेस्ट होएगा, तो हुण पेस्ट करन दी सानूं शॉर्टकट की वी इत्थे यूज़ करनी पएगी, कंट्रोल नाल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी दे नाल पेस्ट हो जाती है। एक इकट्ठी कमांड है कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। इस तरह अगे आएगी कंट्रोल एक्स कट ते कंट्रोल वी पेस्ट, अगे करांगे आपां। नैक्सट साढ़े कोल हैगा कंट्रोल डी, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलन लई। असीं इत्थे फॉन्ट चेंज करनी है या होर कुछ भी करना, वैसे असीं की करते हैं कि होम टैब दे विच ए साढ़े कोल फॉन्ट वाला फॉन्ट रिबन दे उपर दिता होया सारा इत्थे पोर्शन, असीं अगर पूरी पूरी प्रॉपर्टीज़ खोलनी आ तो असीं कंट्रोल प्रेस करके नाल डी प्रेस करांगे, कंट्रोल डी, ए साढ़े कोल फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता इस तरीके।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫੌਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਫੌਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਡੀ ਫੌਂਟ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਡੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ, ਫੌਂਟ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦ ਫੌਕਸ ਐਂਡ ਦ ਗਰੇਪਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਈ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਏ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਈ ਸੈਂਟਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਫ ਫਾਈਂਡ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਐਫ ਇਹ ਨੀਚੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਫ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫੌਕਸ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੌਕਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਫ ਫਾਈਂਡ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗੋ ਟੂ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਕੰਟਰੋਲ ਜੀ ਗੋ ਟੂ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਐਂਡ ਰਿਪਲੇਸ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 50 ਪੇਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ 60 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਜਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਪੇਜ 'ਤੇ 25th ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, 20th ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, 15th ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੇਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਸਟ 2 ਪੇਜ ਹੋਣਗੇ, 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਜਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 7 ਪੇਜਸ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਦੇਖੋ 7 ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਲਾਇਆ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਫੁੱਟਨੋਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਪੇਜ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਂਟਰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 3 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਕਰਤਾ, ਗੋ ਟੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 100 ਪੇਜਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, 51 ਕਰਨਾ ਅਤੇ 51 ਭਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਐਚ ਰਿਪਲੇਸ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਐਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਂਡ ਰਿਪਲੇਸ ਅਤੇ ਗੋ ਟੂ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਫੌਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਡੌਗ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਕਸ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਫੌਕਸ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਵਿਦ ਕਰੋ ਡੌਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੌਕਸ ਅਤੇ ਡੌਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੌਕਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਵਟ ਫੌਕਸ
रिप्लेस विद डॉग, तो जिते इतने फॉक्स लिखा उसके उत्ते डॉग लिखा जाएगा और इतने इतने लिखा रिप्लेस या रिप्लेस ऑल करोगे तो तुम हम देखो 60 टाइम्स इस डॉक्यूमेंट के फॉक्स आया सी और सारिया थावान के उत्ते डॉग आ गया। हाँ देखो डॉग लिखा गया डॉग जिते इतने फॉक्स से असी इसनों कंट्रोल जेड कर दें क्योंकि यह फॉक्स वाली ही स्टोरी है। दैन साढ़े को कंट्रोल आई टैक्सट को टेढ़ा करने लिए या तिरछा करने लिए, इस तरह कंट्रोल बी बोल्ड करने वास्ते, कंट्रोल आई इटैलिक या टेढ़ा करने वास्ते इसनों टैक्सट सिलैक्ट करो, कीबोर्ड तो कंट्रोल की प्रेस करके आई प्रेस करने नाल इस तरह अक्षर टेढ़े हो गए। देखो ध्यान देखो पहला सीधे सी, जेकर कंट्रोल आई द्वारा प्रेस करोगे सीधे हो जाएंगे, कंट्रोल आई तो टेढ़े हो गए साढ़े को, अक्षर कंट्रोल आई इटैलिक वास्ते। फिर साढ़े को नैक्सट हैगा कंट्रोल जे जस्टिफाई करने वास्ते, असी पूरा पैरा जिहड़ा पहला असी सेंट्रल लाइन किया सी हुण इसनों जस्टिफाई करांगे, कंट्रोल जे जस्टिफाई दे विच की आ लैफ्ट वाले पासे भी तो राइट वाले पासे भी दोने एक सार सारिया लाइन हो जांदियां, इस तरह वध घट नहीं होंदियां, सारिया लाइन एक सार हो जांदियां कंट्रोल जे तो। फिर साढ़े को आ गया कंट्रोल के हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलन लई, असी कोई हाइपरलिंक लगाना होवे कोई लिंक लगाना अपनी फाइल दे विच तो असी कंट्रोल के प्रेस करते हैं तो हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स साढ़े को खुल जाता, इस अलग अलग ऑप्शन आ कितने असी हाइपरलिंक लगाना, रिप्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट लगाता, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट लगाता, अभी सपोज कर लो कि असी हुण इस जगह पर आ गए फिफ्थ पेज आ, इतने जो भी टैक्सट हैगा उन्होंने असं हाइपरलिंक लगाने चाहना सिलैक्ट किया कंट्रोल के प्रेस किया, इतों कंट्रोल किधरले पासे किधरले पासे ठीक है कंट्रोल के उहदे नाल साडा डायलॉग बॉक्स खोलिया प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ये असं ला दें टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट लगा के असं ओके करा जो तो जिते असं लिंक लगाता कंट्रोल प्रेस करके, फिर तो मैं दसदा भी इस तरह कंट्रोल प्रेस कर लेना वा, कंट्रोल प्रेस करके जो कर्सर उत्ते लेके जाओगे तो लिंक बन जाना, इतने क्लिक करोगे तो साडा पेज के टॉप ते इसने पहुँच जाना वा। ये साडा कंट्रोल के हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलन वास्ते। फिर साढ़े को हैगा जी कंट्रोल एल लैफ्ट अलाइनमेंट करन वास्ते, लैफ्ट मीनस खब्बा, असी अपना पैरा सिलेक्ट करांगे इसनों लैफ्ट लाइन करना कंट्रोल प्रेस करके एल नाल प्रेस करना बाद च ठीक है कंट्रोल एल, इस तरीके दे नाल ये सारे देखो खब्बे पासे जस्टिफाई हो गया लेकिन सज्जे पासे ये उस तरह ही आ उगड़ दुगड़िया लाइन है कोई एक सार नहीं है, इस तरह के नाल यह कंट्रोल एल दे नाल लैफ्ट अलाइनमेंट होंगी है, कंट्रोल ई दे नाल असी पढ़िया सीगा सेंटर अलाइनमेंट होंगी है ठीक है, तो जे असी इन्हों सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करते हैं तो यह जस्टिफाई हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों इस पार्ट दे विच आपां इनियां ही चीज़ां करते हैं कंट्रोल एल तक ता जो वीडियो साडा लंबा ना हो जाए, इस शॉर्टकट कीज़ का बाकी पार्ट असी इस वीडियो दे सैकेंड पार्ट यानी कि पार्ट टू दे विच करांगे। मैनू उम्मीद है कि तुहानू कंट्रोल ए तो लैके कंट्रोल एल तक दियां जो कीज़ हैगियां वो चंगी तरह समझ लग गई होणगियां कि किस तरह असी इन्हां नू यूज़ करना, ते हुण इस तों बाद तुसीं सैकेंड वीडियो देखना ना भुलना, उहदे नाल पूरा कंट्रोल जेड तक तुहाडियां सारियां कीज़ कवर हो जाणगियां। उदों तक अलविदा लैंदे हां, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, थैंक यू।